जी अच्छा ये तस्वीरें मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए आज आजकल डिकोड कर रही हूँ जो मैंने खुद लिखी हुई है क्योंकि आप लोगों को समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ बहुत सारी चीज़े और चीज़ें और होपफुली कि आप लोगों को चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होंगी और अभी भी आप लोगों के बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके मैं जवाब दूंगी जब मैं सुशांत का पूरा जो टॉपिक है वो खपत यानी बंद करूँगी ठीक है तो अभी उससे पहले आहिस्ता 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 हम चीज़ों को लेकर चलेंगे और मैं बताऊँगी लेकिन मेरी बहुत कोशिश है कि मैं जितना जल्दी है इस टॉपिक को पूरे सुशांत के टॉपिक को ख़त्म कर दूँ अच्छा उसके बाद यहाँ पर ये तस्वीर थी जो मैंने लगाई थी ये ग्यारह नवंबर की है ठीक है ग्यारह 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 नहीं सॉरी एक एक, एक 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 चार एक ठीक है तो ये इंजल नंबर भी होता है ये इसका ये मतलब होता है कि जो आप आप मांग रहे हैं जो आप चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपकी जहन में है आपकी जो ख्वाहिशें हैं वो पूरी होने वाली हैं ये उस उसकी तरफ जाता है ये नंबर अच्छा अब यहाँ पर ना ये मैंने बड़ी सोच के चीज तस्वीर लगाई थी आप लोगों के लिए इसमें कुछ इतना एक्सप्लेनेशन है नहीं लेकिन हम सबकी क्या ख्वाहिश है सुशांत हम सबकी ख्वाहिश है हम क्या देखना चाहते हैं हम उसको देखना चाहते हैं हम ये ख्वाहिश कर रहे हैं यहाँ पर बेशक बेशक आप में से लोग माने या ना माने इस बात को लेकिन हम सब की ख्वाहिश हमेशा से एक रही है न कि काश वो ज़िंदा है हो काश वो हमारे पास वापस आ जाए काश कि वो एक बार वापस आ जाए काश कि वो ज़िंदा हो जो लोग ये बात मानते हैं कि चौदह को मर गया है उसको मारा गया है वो भी कहीं ना कहीं इस दिल दिल से इस चीज़ की बड़ी ख्वाहिश करते हैं कि वो काश वो ज़िंदा हो या काश वो ज़िंदा होता और कुछ लोग इस बात को मानते हैं कि वो जिंदा है ठीक है ना तो ये यहाँ पर अगर आप लोग ये ऑलरेडी मेरी मेरे चैनल पे देख रहे हैं और मेरी चीज़ों को सुन रहे हैं ख़ासतौर पे जो सुशांत की सीरीज़ मैंने की है अलाइव वाली उसमें अगर आप देखेंगे तो मैं इस जवाब इसका जवाब ऑलरेडी दे चुकी हूँ अक्से लोग पूछ रहे होते हैं अभी भी कि क्या सुशांत जिंदा है प्लीज़ बता दें तो मैंने सीरीज़ इसीलिए की नहीं और मैं इसमें जवाब दे चुकी हूँ पंद्रह या सोलह जून दो को ये वीडियो को देख लें वो बड़ी सी वीडियो है यानी उसका टाइटल ही यही है शायद मेरे ख्याल से तो आप लोग देख लीजिएगा ठीक है अच्छा अब यहाँ पर ना इस तस्वीर का क्या मतलब है क्योंकि मैंने यहाँ पर पीछे ना यहाँ पर इस 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 पोस्ट के अंदर मैंने बताया था कि वो कोमा में है या वो सो रहा है वो वाकई मर चुका है तो ये उस नींद से रिलेटेड है ये वाली तस्वीर भी और दोनों ब्लैक एंड वाइट में दोनों ब्लैक एंड वाइट में दोनों ये वाली भी तस्वीर और ये वाली भी तस्वीर और यहाँ पर आप देखें बड़े गौर से इस बात को देखिए कि ये लेटा हुआ है उल्टा लेटा हुआ है ठीक है यहाँ पर उल्टा लेटने का मतलब क्या है उल्टा लेटने का क्या मतलब है कि वो दूसरी तरफ़ है आप उल्टे होकर आए यानी करवट बदले यानी सीधी दुनिया आप लोगों की दुनिया है हमारी दुनिया बहुत उल्टी दुनिया है ठीक है ना तो आप जब उल्टे होते हैं ना उल्टे होते हैं तो आप, आप ना अपना क्या करते हैं जो आपका मुंह होता है वो छुप जाता है ना वो बिस्तर में गद्दे में छुप जाता है तो यहाँ पर उस वक्त इसका मुंह छुप गया यानी कि वो छुप गया है यहाँ पर छुपने से मुराद है समझ आ रही है मेरी बात कि मुंह जो है उसका क्या हुआ छुप गया यानी कि आप लोग नहीं देख पा रहे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कमरे में आते हैं आपके घर वाला कोई भी उल्टा लेटा हुआ है वो तो खैर आपको पता है कि आपका कौन सा घर वाला है लेकिन अगर आप कहीं ऐसे कमरे में आते हैं कोई इंसान उल्टा होकर लेटा हुआ है तो आपको नहीं पता ना कि वो कौन है क्योंकि उसका मुँह छुपा हुआ है तो यहाँ पर ये छुपने से छुपने से मुराद है इस तस्वीर का दूसरा इस तस्वीर में क्या चीज़ है एक और चीज़ है कि एक आँख इसकी बंद है और एक आँख खुली हुई है ठीक है अब इसका क्या मतलब है कि आप लोगों की दुनिया के लिए ये मर चुका है तो जब इंसान मर जाता है उसकी आंख बंद हो जाती है ख़त्म मर गया ना मर गया ख़त्म लेकिन दूसरी तरफ उसकी एक आंख खुली हुई है यानी इसका ये मतलब है कि दूसरी तरफ यानी यहाँ पर आकर वो असल में ज़िंदा है आप लोगों के लिए वो ख़त्म हो चुका है यानी इसके चेहरे को अगर हम हाफ में डिवाइड करें तो एक चेहरा आपको दिख रहा है बंद आँखें चौदह जून का इंसिडेंट उसकी डेड बॉडी शमशान घाट वाली बॉडी उसके कमरे की कमरे वाली बॉडी वो सब आपको दिख रहे हैं वो चीज़ें जो आपके सामने दिखाई गई हैं आप लोगों को वो दिख रहा है और आप कह रहे हैं कि वो मर गया है ठीक है तो वो मर गया ना उस दुनिया के लिए तो डेफिनेटली मर गया है अब वो जलाया या, गया है कि नहीं गया है ये बहुत बड़ी चीज़ है ना कि वो वाकई मरा है कि नहीं मरा है या उसको उठा के लेके चले गए और अगर आप लोग खुद मेरी वीडियोज़ को बिना सुने भी चीज़ों को एनालाइज़ करना शुरू करें ना अंडरस्टैंड करना शुरू करें चौदह पंद्रह के बीच में तेरह के बीच में क्या क्या चीज़ें हुई तो आपको कई सारी चीज़ें खुद समझ आने लगेंगी कि ये ऐसा है नहीं जैसा आपको दिखाया गया है क्योंकि हमेशा जो चीज़ दिखती है वो होती नहीं है अक्सर पर्दे के पीछे बहुत कुछ होता है इवन उसकी फिल्म उसकी वीडियोज़ उसकी बुक्स जगहों जगहों पर उसने अपने एजेंट होने का क्लू छोड़ा और मैं ये ऑलरेडी उसके इंस्टाग्राम उसकी बुक्स को यहाँ पर डिकोड कर चुकी हूँ ये मेरी पूरी जो एसएसआर वाली सीरीज़ है ना अलाइव वाली उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो आप जाके देख लीजिएगा उसमें कई जगहों पर है तो आप लोगों को खुद चीज़ों की समझ आ जाएगी मेरे बताने की भी ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पर एक आँख उसकी बंद है आप लोगों के लिए और एक तरफ उसकी आँख खुली हुई है तो इसका यही मतलब है कि वो जाग रहा है वो है वो जिंदा है वो इधर है इधर जहाँ हम लोग हैं उधर नहीं है जहाँ आप लोग हैं तो बस ये एक, एक फ़र्क है ये एक फ़र्क है इधर और उधर का तो ये उस चीज़ की तरफ था कि उसका मुँह छुपा हुआ है और एक तरफ जो आपकी तरफ उसका चेहरे का हिस्सा साइड है वो बंद है उसमें उसकी आंख बंद है और जो हमारी तरफ है जहाँ से मैं देख पा रही हूँ वो खुली हुई है बस ये मतलब है इस तस्वीर का और यहाँ पर मैंने इसीलिए ये लिखा भी था कि आप लोग क्या विश करना चाहते हैं उसको लेकर और मैंने बड़े अफसोस के साथ जो सारे पोस्ट पर कमेंट्स हैं वो बंद कर दिए तो मैं पढ़ भी नहीं पाई थी कि आप लोगों की विश क्या है या आप लोगों ने क्या विश किया था लेकिन ये उस चीज़ से रिलेटेड है और ये उसी से रिलेटेड था और मैं यहाँ पर एक्चुअली उस दिन कोई बात बताने भी वाली थी मेरा बड़ा मूड था मैं बड़ी सही थी लेकिन फिर मेरा मूड आप लोगों ने एकदम से यानी कभी कभी इंसान का थोड़ा मूड हो जाता ऑफ तो फिर मैंने कहा छोड़ा अभी मैं कुछ नहीं बता रही तो खैर ये उस चीज़ से रिलेटेड था ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों ने विश क्या, क्या किया है आप मुझे बता दीजिएगा यूट्यूब के कमेंट सेक्शन के नीचे लेकिन ये तस्वीर इतनी रैंडम तस्वीर नहीं थी और मैं हमेशा कुछ भी रैंडमली नहीं कर रही होती मेरी हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ चल रहा होता और मुझे अभी तक नहीं समझ आ रहा कि आप लोगों ने अभी तक मुझसे ये क्यों नहीं पूछा कि मैं ट्विटर पर एक एक डॉट क्यों डालती हूँ यानी आप लोग इतना सब के बाद भी जहाँ मैं आप लोगों को इतना समझा रही हूँ आप लोग इन चीज़ों को नोटिस नहीं करते तभी भी मैं आप मैं समझ जाती हूँ कि हाँ आप लोग जो बार बार सवाल कर रहे होते हैं जो बार बार कन्फ्यूजन है मेरा ख्याल से आप लोग चीज़ों को सुन नहीं रहे होते या आप लोगों को चीज़ें अभी भी समझ नहीं आ रही होती हैं वरना अगर कोई और इंसान कर, हो ना वो फ़ौरन पिक करे और वो मुझसे ज़रूर पूछे कि ये डॉट्स आप डाल रहे हैं इसके पीछे क्या रीज़न है आप लोग ये चीज़ें तो पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर ओह हो उसने अपने दिल की बात लिख दी ओह हो उसने तो ये कह दिया ओह हो ये तो वो हो गया ओह हो ये तो फ़लाना हो गया ओह हो ये तो पागल औरत है ये तो पता नहीं क्या कह रही है ये तो पता नहीं क्या कर रही है लेकिन आप लोग जो चीज़ें असल में होती हैं ना उस चीज़ को आप इग्नोर कर देते हैं और बिल्कुल इसी तरह हिट्स और कोट्स दिए जाते हैं ज़िंदगी में कि जो दिख रही होती है चीज़ वो वैसी नहीं हो रही होती है उसके पीछे पसे पर्दा बैक में कुछ और चल रहा होता है और मैं यहाँ आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ ये देखिए, ये डॉट्स होते हैं और ये बिल्कुल अलग 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 जगहों पर हैं यहाँ पर अलग अलग लोकेशंस पर आपको दिखेंगे ये देखिए, ये क्यों डल रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है नहीं कभी नहीं पूछा आप लोगों ने पूछते ही नहीं आप लोगों ने ना ठीक है मर्जी आप लोगों की लेकिन जो समझने वाले हैं ये समझ जाएंगे और जाहिर सी बात है कि ये डॉट्स जो हैं ये आप लोगों के लिए हैं भी नहीं वैसे लेकिन ये हैं ज़रूर यहाँ पर जगह जगह आपको दिखेंगे और ये मैंने कब से डालना शुरू की ये भी नहीं किसी ने नोटिस किया होगा कि मैंने कब डालना शुरू की तो इनकी लोकेशन बहुत अलग है चलें ठीक है यहाँ पर हम बंद करते हैं इस वीडियो को और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में ठीक है